दोस्तों आप सबको विकास एकेडमी में स्वागत करता हूं। आज हम लोग गवर्नर जनरल सीरीज का जो फोर्थ पार्ट है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो आज हम लोग लॉर्ड वेलेस्ली के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए लॉर्ड वेलेस्ली 1798 से आए और 1805 तक रहे, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। लॉर्ड वेलेस्ली सब्सिडियरी अलायंस इंट्रोड्यूस किए थे। देखिए सब्सिडियरी अलायंस होता क्या है ये चीज़ पहले समझना चाहिए। देखिए सब्सिडियरी अलायंस ये होता है, जैसे मान लीजिए प्रिंसली स्टेट उसी ज़माने में था, ठीक है, तो प्रिंसली स्टेट जैसे हैदराबाद, मैसूर, अवध, पेशवा ये सब थे, बहुत सारे थे, तो उनका प्रोटेक्शन के लिए, सिक्योरिटी के लिए फोर्स चाहिए, मिलिट्री फोर्स चाहिए, आर्मी चाहिए। तो ये चीज़ आर्मी जो है वो कौन सप्लाई करेगा, कौन प्रोवाइड करेगा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, और उसका देखभाल, मेंटेनेंस, सैलरी वगैरह सब करेगा कौन, प्रिंसली स्टेट। अगर कोई भी प्रिंसली स्टेट उसको मेंटेन नहीं कर पाता है तब सब्सिडियरी अलायंस के अंदर क्या होगा ना, वो स्टेट प्रिंसली स्टेट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में मिल जाएगा, ठीक है। ये होता है सब्सिडियरी अलायंस। तो पहला सब्सिडियरी अलायंस कौन एक्सेप्ट किया, याद रखना है सब्सिडियरी अलायंस को पहले एक्सेप्ट किया निजाम ऑफ हैदराबाद। हैदराबाद में जो निजाम थे वो एक्सेप्ट किए थे। और एक चीज़ बताना चाहता हूँ, लॉर्ड वेलेस्ली के टाइम में मद्रास प्रेसिडेंसी क्रिएट किया गया था और फोर्थ एंग्लो मैसूर वार हुआ था 1799 में, जिसमें टीपू सुल्तान का डेथ हो गया था, ठीक है। चार एंग्लो मैसूर हुआ था आपको पता होगा, तो फोर्थ एंग्लो मैसूर वार लॉर्ड वेलेस्ली के टाइम पे हुआ था जिसमें टीपू सुल्तान का डेथ हो गया था। और एक चीज़ बताना चाहता हूँ, फोर्ट विलियम कॉलेज कोलकाता में सेटअप हुआ जिसका प्रिंसिपल था जॉन गिलक्रिस्ट, और ये चीज़ ध्यान रखना है 1800 में सेटअप हुआ था। ये क्यों सेटअप हुआ था, जो सिविल सर्वेंट थे उनको हिंदी उर्दू सिखाने के लिए, टीच करने के लिए ये कॉलेज फोर्ट विलियम कॉलेज लॉर्ड वेलेस्ली के टाइम पे सेटअप हुआ था। और एक चीज़ बताना चाहता हूँ, सेकेंड मराठा वार 1803 से लेकर 5 तक हुआ था, ये भी लॉर्ड वेलेस्ली के टाइम पे हुआ था। और ट्रीटी ऑफ बासिन जो होता है 1802 में हुआ था, ये भी लॉर्ड वेलेस्ली के टाइम पे हुआ था। ये सारे चीज़ें आपको ध्यान रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, ठीक है। विश यू हैप्पी लर्निंग, थैंक यू वेरी मच।